गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी डबल चिन भी आपको गुड मॉर्निंग कह रही है। डबल चिन देखो आप लोग, अनफिट होने की दुकान हूँ मैं। मुझसे ज़्यादा अनफिट आप इंसान ला नहीं सकते, पर मैं फिटनेस पे पहुँचूँगा। कब पहुँचूँगा, कैसे पहुँचूँगा, उसका कोई जवाब नहीं है, पर पहुँचूँगा। आज जाता हूँ, प्रैंक बनाता हूँ, ब्लॉग बनाता हूँ और देखता हूँ क्या करना है। आज गुड मॉर्निंग कह दो। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सबकी तरफ से, गुड मॉर्निंग आप लोगों को। We shoot a prank in Connaught Place, New Delhi, right now, and I've got nothing better to do. So, उधर जाके एक मस्त वॉक भी मारने का Connaught Place में, वॉक करके देखने का कि क्या सीन है। Connaught Place मस्त चल रहा है कि अपने बिना भी। तो जाते हैं अभी Connaught Place हर्ष के साथ, done and dusted में। Most cliche place to prank। हाँ, सभी cliche, अभी cliche काम करने का मजा अलग है यार, easy हो जाता थोड़ा सा काम, है ना? तो अभी जाते हैं Connaught Place, देखते हैं क्या सीन है उधर। खुजली हो रही कान में, कोई बात नहीं, होती है, सबको होती है। दिल्ली में एक चीज़ है, लेकिन वेदर ये टाइम पे वॉकिंग के लिए सूटेबल है एकदम। अगर आपको वॉकिंग करनी है, खाना पीना ज़्यादा खाया है, अभी वॉक करके किधर जाने का है, तो वेदर मस्त है। अभी वेदर एक नंबर है जाके वॉक करने का। थोड़ी देर वॉक करो एकदम। मेरी एक्सेंट बहुत मुंबई का हो गया, वैसे मुंबई में रह रहा हूँ ना टाइम से, वरना तो पता है भाई, जो कर दियो वर्दियो जो यहाँ पे है उसका मज़ा ही कुछ और है। भगवान कसम, किसी को अगर पता होगी ये किस चीज़ के बारे में है तो मुझे प्लीज़ बताना। चिक मेकर क्या होता है भाई? ये चिक मेकर है क्या? मेरे को समझ तो नहीं आ रहा चिक मेकर क्या है। देखते हैं चिक मेकर क्या है। तो मैं आरजे बनना चाहता था। जब मैं आरजे बनना चाहता था तो मैं चाहता था कि मैं किसी बढ़िया रेलवे स्टेशन में काम करूं। तो मेरा हमेशा से ड्रीम था कि मैं फीवर में काम कर सकूं। और इधर ही फीवर का ऑफिस है, ये देख के बड़ी मज़ा आया मेरे को। इधर फीवर का बोर्ड लगा हुआ है, इस बिल्डिंग में फीवर का ऑफिस है। जिसको फीवर आए वो फीवर में आ जाए, मज़ेदार चीज़ है। दिल्ली में जब मैं इस बार आया ना, मैंने एक और बहुत शानदार चीज़ देखी है। पता नहीं आपने देखी कि नहीं देखी, जो दिल्ली में रहते हैं उन्होंने देखी होगी, वो देखते होंगे। पर ये स्मार्ट बाइक है ऐसा मस्त। मैं इधर कोड मंगाने का, ओटीपी, फिर ओटीपी डालने का, इधर जो भी ओटीपी है, फिर वो वहाँ पे ये लॉक है यहाँ पे, इधर ना इधर लॉक लगा हुआ है साइकिल में। ये लॉक खुल जाएगा फिर गाड़ी लेके जाने का घर पे अपने मस्त में, जो भी करने का है ना। तू लेके जाएगा गाड़ी? हाँ भाई। क्या करेगा साइकिल को चला के? थोड़ा हेल्थ वेल्थ फिटनेस बनाऊंगा। किसकी? अपनी भाई। क्या करेगा उससे? कुछ नहीं भाई, थोड़ा खुद के लिए सही रहता है। क्या सही रहता है? क्या हो गया तेरे साथ आज तक सही करके खुद के लिए? कुछ नहीं भाई, थोड़ा फील गुड फील आता है। क्या फील गुड आ रहा है? कुछ नहीं भाई, हेल्दी हेल्दी रहते हैं, सुबह उठते टाइम से। कोई जवाब नहीं, पागल है। लस्सी वस्सी पीते हैं। तुम्हारा भाई खड़ा हुआ है मायबार हेडक्वार्टर्स के सामने। ये मायबार देख रहे हो? आज से 5 साल पहले जो लौंडे दिल्ली में थे, जो कॉलेज कर रहे थे, उनको इसकी जो इम्पोर्टेंस है, आप इतिहास से मायबार को नहीं निकाल पाएंगे, आप कहीं से भी निकाल दीजिए। मायबार पहाड़गंज, वो जगह अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस। क्यों? क्योंकि वहाँ जो मिलता है वो सस्ता मिलता है, और वहाँ का क्राउड एक नंबर। ऐसा लगता है वेगस आ गए। ऐसा लगता नहीं है, लेकिन दिल्ली के लड़कों को ऐसा लगता है। मुझे भी ऐसा लगता था जब मैं कॉलेज में था। मायबार अपने आप में हिंदुस्तान के वन ऑफ द बेस्ट बार्स में से एक है। हेडक्वार्टर है हमारे बार का। हेडक्वार्टर ऐसे लिखा हुआ जैसे रॉक का हेडक्वार्टर है, पर कोई बात नहीं, हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर होता है। आप पीते हो क्या भाई? कभी नहीं छूते भी नहीं। यहाँ लस्सी बहुत अच्छी मिलती। पानी वानी पीने आए हुए थे इधर एक दो बार, तो इधर ही तभी ऐसा रहा, अपना शिकंजी गंजी पी लेते इधर आके, लेकिन इसके आगे तो आप जानते हैं कुछ नहीं अपना नहीं है, सीन है सब। हाँ, पर लॉन्डेस की इंपॉर्टेंस समझते होंगे, है ना? अपना ज़्यादा सीन नहीं है इसका। चलिए। एक्चुअली लाइफ में यार कुछ बहुत बढ़िया चल नहीं रहा, चश्मा लगा लेता हूँ मैंने, तो मैंने सोचा कि अंकल जी से हाथ दिखा लेता हूँ। अंकल जी हाथ देख रहे हैं कि क्या सीन है, कुछ होएगा नहीं होएगा लाइफ में, तो है ना अंकल जी? नमस्कार, प्रणाम। हाथ दिखाना है? सीधा करिए। सीधा किया ऐसे करो बस, आप गुस्सा मत करिए। मैं गुस्सा नहीं कर रही। क्या नाम है आपका? राजन। और राजन बाहर भी जाओगे? विदेश जाऊँगा। क्या मंगल आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, तुम्हारा भाग्य साथ देगा। 2023 तो बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा जाओगे? गिट्टी बहुत हो, अड़ियल बहुत हो, संतान भी दो होंगी। अच्छा अच्छा जीवन जाएगा 40 के बाद अच्छा जीवन जाएगा। 40 के पहले
संघर्ष करना पड़ेगा, शनि नीच का है। 40 के पहले संघर्ष है, 40 के बाद जीवन अच्छा गुजरेगा। तुम्हारी 30-35 साल की उम्र होगी? नहीं, और 27 साल। 27 साल, 40 के बाद जीवन बहुत अच्छा गुजरेगा। तो अभी 13 साल में, और 13 साल और कष्ट है ना? कष्ट नहीं है, अच्छा चलेगा। फ्लाइट के लिए एक मज़ेदार नेक पिलो लेने गए, ये ले लेता। अभी बढ़िया नींद आएगी इसके बाद में, अभी शानदार। क्या लूँ, फोटो नहीं लूँ, वीडियो वीडियो।